जाखल में लड़कियों के लिए खुशखबरी है। जाखल में भी लड़कियां ले सकती हैं कराटे का परीक्षण। कराटे आत्मरक्षा का सबसे बड़ा गुण है। समाज में बदलते माहौल को देखते हुए हर व्यक्ति में व हर लड़की को ये गुण जरूर सीखना चाहिए। ये बात कराटे एसोसिएशन हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी रजनीश चौधरी ने शनिवार को जाखल मंडी में खोले गए कराटे प्लेनेट का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कही। इस दौरान उनके साथ कराटे एक्सपर्ट एवं कराटे एसोसिएशन फेडरेशन सीनियर जज सेंसुई विजेता तथा कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की महिला कमीशन की सदस्य विजेता मुंडालिया ने भी कराटे सीखने के फायदों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कराटे के विभिन्न कलाओं के बारे में भी बताया एवं उन्होंने लोगों की उपस्थिति में कराटे चलाकर मौजूद युवा युवतियों को इस गुण के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम के आयोजक एवं प्लेनेट आयोजक सोनिका एवं मंजू गर्ग ने भी कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी को ये गुण सीखने के लिए प्रेरित किया। पत्रकार से बातचीत करते हुए रजनीश चौधरी ने कहा कि कराटे के लिए सरकार किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है, जबकि ये अब भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी पहल के आधार पर मुख्य खेल के रूप में उभर रहा है। ये केवल खेल ही नहीं बल्कि एक आत्मरक्षा के लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस मौके पर उन्होंने बच्चों एवं युवक युवतियों को इसे ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। कराटे प्लेनेट की ओर से अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सुमित कुमार छिल्लर, सारिका जय हिंद, हरीश ठाकुर हिसार, अतीश कुमार गर्ग, सुभाष गर्ग, सुनील कुमार, अरुण गुप्ता, राजेंद्र कुमार, शीशपाल इत्यादि अनेक लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर इसमें भाग लिया।